सुरजनपुरा के रहने वाले कमांडेंट कल्याण सिंह शेखावत ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। बता दें कि वीर जवान को कैंसर हो गया था, जिसका इलाज दिल्ली के बालाजी एक्शन कैंसर अस्पताल में चल रहा था, जहां सोमवार को जवान शहीद हो गए। मंगलवार को जवान का पार्थिव शरीर नवलगढ़ तहसील के सुरजनपुरा गाँव लाया गया, जिस दौरान हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। हर कोई वीर जवान के अंतिम दर्शन के लिए उनके वाहन के पीछे चल रहा था। परिजनों ने पुष्प अर्पित कर बलिदानी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवान कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि कल्याण सिंह नवलगढ़ तहसील के सुरजनपुरा गांव के रहने वाले थे। सन 1988 में वीर जवान सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हुए थे। 2007 में सीआरपीएफ के ऑपरेशन के अंतर्गत लाल चौक श्रीनगर में वीर जवान ने एक साथ चार आतंकियों को ढेर कर दिया था। इस अदम्य साहस और शौर्य के लिए उन्हें राष्ट्रपति वीरता पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। वर्तमान में 238 सीआरपीएफ दिल्ली में वीर जवान कमांडेंट पद पर कार्यरत थे। उसी दिन जवान के बेटे का अचानक देहांत हो गया था। बावजूद इसके वे अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए और देश की हिफाजत करते रहे। कमांडेंट कल्याण सिंह शेखावत का परिवार दिल्ली में एक साथ ही रहता है। उनके पिता ने भी देश की सेवा की थी। रिटायर होने के बाद मोहर अस्पताल नवलगढ़ में उन्होंने कार्य किया। उनकी माता गृहिणी है, वहीं वीर जवान तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। शिवालिक जनरल भारत माता के वीर सपूत कमांडेंट कल्याण सिंह को उनकी सेवाओं और वीरता के लिए कोटि कोटि वंदन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।